रेड लाइट एरिया में पुलिस की रेड। बहादुरगंज किशनगंज पुलिस कप्तान कुमार आशीष के निर्देश पर गठित पुलिस टीम बहादुरगंज थाना क्षेत्र के प्रेम नगर रेड लाइट एरिया में छापेमारी किया। मुख्यालय डीएसपी अजय झा के नेतृत्व में बहादुरगंज थाना क्षेत्र स्थित प्रेम नगर रेड लाइट एरिया में छापेमारी कर दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया। मुख्यालय डीएसपी श्री झा ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा पूछताछ किया जा रहा है, जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि अवैध व्यापार के धंधे के खिलाफ किशनगंज पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। एसपी द्वारा गठित टीम में मुख्य रूप से मुख्यालय डीएसपी अजय झा, सर्किल इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहादुरगंज थाना अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह, पौवाखाली थाना अध्यक्ष इकबाल अहमद, दिगलबैंक थाना अध्यक्ष आरिज एकाम, कोरोबाड़ी थाना अध्यक्ष नीरज कुमार निराला सहित कई पुलिस कर्मी मौजूद। बहादुरगंज प्रेम नगर अंतर्गत जो छापामारी अभियान चलाया गया रेड लाइट एरिया में, सर इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? देखिए, गुप्त सूचना मिली थी कि प्रेम नगर में अवैध चेक व्यापार चल रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम गठित किया जिसमें मैं था और शिक्षु डीएसपी सावान थे और उसके साथ थे बहादुरगंज के और अध्यक्ष आसपास के सभी थाना महिलाएं महिला पदाधिकारी और महिला पुलिस बल के निर्देशानुसार छापामारी किया गया है। करीब एक दर्जन से अधिक महिलाओं को वहां से मुक्त कराया गया है। जांच की जा रही है इसमें से कौन पीड़िता है और कौन देह व्यापार की संचालिका है। जांच में जो बातें आएंगी अकॉर्डिंगली FIR कार्रवाई की जाएगी और जो पीड़िता जांच में आएंगे उनके लिए उसी अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू।